खालिस्तानी आतंकी बौखलाए। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप पर थमकाए, ब्लिंकन जयशंकर को साथ दे तनाव में जूडो। लौटकर ट्रूडो लाइन पर आए। करीब 9 दिनों से पीएम मोदी के सबसे बड़े दूत और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में हैं। इस बात की जानकारी कनाडा के खालिस्तानी प्रेमी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अच्छे से है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से अमेरिका के सामने साफ कर दिया कि भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी साजिश बर्दाश्त नहीं होगी, उससे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की उस उम्मीद को धक्का लगा जिस पर उन्हें भरोसा था कि अमेरिका कनाडा की ओर से भारत के सामने उनकी बात रखेगा। लेकिन आप इन कुछ तस्वीरों को देखिए, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों का एक साथ एक ही अंदाज में मीडिया के सामने आना, एक ही अंदाज में खड़ा होना और एक ही अंदाज में मीडिया के सामने दो टूक बोलकर वापस निकल जाना, ट्रूडो को एहसास दिला दिया कि उनकी दाल अब नहीं गलने वाली। दरअसल ब्लिंकन और जयशंकर की मुलाकात और अंदाज ने साफ दिखा दिया कि दोनों की मुलाकात अमेरिका और भारत की दोस्ती के लिए है, ना कि ट्रूडो की खालिस्तानी प्रेम पर आंसू बहाने के लिए। In New York, the General Assembly, and I'm looking forward to pursuing them this afternoon. Well, thank you, Tony. Good to be back here. And we, of course, had the Prime Minister here this summer. We thank the U.S. for all the support at the G20 summit. And I actually look forward to seeing you in Delhi too, Mr. I look forward to that as well. Thanks, everyone. यही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के NSA जैक सुलिवन से भी मुलाकात की थी। इस बीच खालिस्तानियों ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर नई धमकी दी है। साफ है खालिस्तानी आतंकी बौखला गए हैं। खालिस्तानी आतंकियों ने वर्ल्ड कप को निशाना बनाने को लेकर बड़ी धमकी दी है। भारत में कुछ ही दिनों में विश्व कप 2023 की शानदार शुरुआत होनी है। 5 अक्टूबर से भारत में क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ट्रूडो वापस उस लाइन की ओर आ रहे हैं जिससे उन्हें दुनिया के सामने और बेइज्जती न झेलनी पड़े। ट्रूडो भारत के महत्व को अपने ही लोगों के सामने समझा रहे हैं। ट्रूडो ने साफ कहा कि भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है और दुनिया की राजनीति का दमदार खिलाड़ी भी। ट्रूडो के मुताबिक वो भारत के साथ घनिष्ठ संबंध को लेकर बहुत गंभीर हैं। Oh, I think it's extremely important that all of us continue to engage constructively and seriously with the government of India. India is a growing economic power and important geopolitical player. As we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. At the same time, obviously, as a rule of law country, we need to emphasize that India needs to work with Canada to ensure that we get the full facts of this matter. खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बदले हुए तेवर से जाहिर है कि भारत के सख्त रवैये से उन्हें अपना खालिस्तानी प्रेम को त्यागना होगा। यानी कनाडा के पीएम ट्रूडो और खालिस्तानी प्रेमियों के लिए यही अच्छा है कि वो भारत विरोधी सुरों को बदल लें, वरना ये आज का भारत है जिसे देश के खिलाफ न सुनना पसंद है, न ही किसी साजिश के खिलाफ चुप बैठना पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया।